get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab. जनाब, वैसे तो नाश्ता डेली ही हमारा बाइक से आ रहा था, तो आज तो हीरा बहन और जीजू आए थे, तो सोचा कि हम लोग मंगवा लेते हैं हलवा पूड़िया और साथ थे मटन पाए और चने भी थे। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग, एंड आप सबको ईद के थर्द डे वाले व्लॉग में खुश आमदीद, मरहबा, वेलकम। कैसे हैं आप? आई होप सबकी ईद अच्छी ही गुजर रही होगी। तो यहाँ पर शायान साहब और उस मेरा पूरा ख़ानदान एक साइड पे था, शायान की साइड पे, और सामने था मामू का छोटा बेटा और उसके साथ थे छोटे कज़न, और ये टाइगर्स के साथ लगे हुए थे फ़ाइट करने। शायान बना हुआ था सोल्जर। सो मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे खाना बनवाने में हेल्प करनी थी अपनी मेहमानियों के साथ, क्योंकि आज हमारे घर पे आ रहे हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी। गेस करें कौन आया है। तो जनाब, हेयर वी गो, ये आ चुके हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी, शायान के बाबा। मामू ने बुलाया था, मामू से मिलने आए थे, मुझे भी, शायान को भी, और हमें था हमें लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, वो आए थे बाइक पे, तो वो कह रहे थे कि मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, सुबह ही आप लोग मामू के साथ वापस आ जाइएगा अम्मी की तरफ, और अम्मी की तरफ से मैं आपको पिक कर लूँगा, रात को ले जाऊँगा वापस। सो यहाँ पर खाना शाना बन गया था, मटन करी बनाई थी, साथ में था ये खीर थी मेरी मामी के हाथ की, बहुत ही मज़े की खीर बनाती है मेरी छोटी मामी, साथ में उन्होंने पुलाव बनवाया था, और उसके साथ क्या था, तंदूरी चिकन था, और उसके साथ क्या था मुझे याद नहीं है, ये सब था। तो जनाब, ये मटन करी बनाई थी मेरी बड़ी मामी ने, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी, और ये रहा तंदूरी चिकन, जो कि मेरे मामू ने सीखी है उसी सियालकोट के साथ ही ना, कोई रेस्टोरेंट है बहुत मज़े का उधर से मिलता है, तो वो हमेशा लाते हैं जब भी मैं आती हूँ, यहाँ को गेस्ट आते हैं, तो आज भी उन्होंने आदिल के लिए मंगवाया था। अब यहाँ पर शायान की खाला, खालू और उसके बाबा और मैं खा रहे थे खाना, उसके बाद वो लोग चले गए थे क्योंकि शाम हो गई थी, और यहाँ पर अब मैं और शायान पियेंगे रात की चाय। और आज का व्लॉग मैंने बहुत शॉर्ट सा बनाया था, ईद का थर्ड डे हुआ तमाम, और अब ये व्लॉग है नेक्स्ट डे यानी कि फोर्थ डे का, जो कि मैंने ऐड कर लिया। मैं खाना खा रही थी, मुझे मिनट में जाके याद आया कि मुझे तो व्लॉग भी बनाना था। सो माजरत, जिस तरह की हालत की हुई थी मैंने रोटी की, उसके बाद मैंने शायान को ब्रेड और अंडा बना कर खिलाया। सो यहाँ पर 9 या 10 बज गए थे सुबह के, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। यहाँ पे सामान रखा जा रहा है गाड़ी की डिक्की में, और वहाँ पे ही हमने रख लिया था अपना पिंजरा। हमारे ये चूज़े थे शायान के और मामू के चूचू, जो कि काफ़ी टाइम से जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने भेज दिए थे मामू की तरफ के, क्योंकि मामू के घर के साथ जो बैकयार्ड एरिया उसमें काफ़ी वो मिट्टी वगैरह, तो वहाँ वो खुश रहते हैं, तो 10 हमने भेजे थे, लेकिन फिर वो मर मुर्गे। और अब बची थी 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, जिनको आज हम घर वापस लेके जा रहे हैं। और अब हम लोग गुजर रहे हैं सिटी हाउसिंग सियालकोट से, और यहाँ पर मामू हमें छोड़ कर वापस जा रहे थे, और मुझे कोई लेने आए या छोड़ने जाए तो मैं हमेशा उन पर आयतल कुर्सी पढ़ कर फूँक देती हूँ। और यहाँ पर अब हम अपने चूचू को देखेंगे, शायान के चूचू, मामू के, और इनको दाना शाना डालेंगे, और इनको अपर फ्लोर पे जो केज पड़ा है उस पर शिफ्ट करेंगे। और फिर आ गए थे घर पे अचानक से मेहमान, अब्बू के मेहमान, और ठीक है बाहर से आए थे, उन्होंने कुछ सामान वगैरह लाया था जो अबू ने भेजा था, तो यहाँ पे हम उनके लिए ना खाना शाना लेने आए। हमने लिया था बन्नू पुलाव, बीफ पुलाव, और उसके साथ लिया था क्रीम चाट थी, दही भल्ले थे। और जब हम लोग घर पहुँचे लेके, वो लोग गायब। हमें इतना गुस्सा आया कि भई हम आपके लिए लेके आए हैं खाना और आप वहाँ से गायब हो गए। खैर क्या कहा जा सकता है भई, उनकी मर्ज़ी थी। खैर ये सब हमने खाया, पार्टी शार्टी की, और उसके बाद जो सामान भेजा था अबू ने उनकी करेंगे अनबॉक्सिंग। और ये सामान है जो बाहर से आया था, कंबल था, अम्मी की ब्लड प्रेशर वाली मशीन थी, और ये एक वॉच थी जो कि हमारी बिल्कुल नहीं थी, और शायान इस पे कब्ज़ा कर रहा था मुफ्त का। ये तायाबू के बेटे ने भी सामान भेजा था, तो उनका था कुछ सामान, ये वाला उनका था, शैम्पू वगैरह, बादाम, और ये एक गुड़िया थी। शायान इस पे कब्ज़ा कर रहा था, मैंने छुपा दिया ये। और यहाँ हमारा अपना सामान है, ये एयरबड्स हैं हीरा के, वो लोग भी आ जाएँगे क्योंकि वो कह रही थी हम लोग गुजरा वाला आए हैं, तो रास्ते में हम लोग ना चक्कर लगाते हुए जाएंगे। कुछ सामान और भी था उसका, और ये भी उसके थे। और एक परफ्यूम आया था शायान के बाबा का, उनका फेवरेट परफ्यूम है ये, उनको बहुत पसंद आया था, तो उसके करते हैं हम लोग अब अनबॉक्सिंग। और मुझे लग रहा है कि मैं व्लॉग को काफ़ी लंबा कर दिया, क्योंकि असल में मेरे पास टाइम ही नहीं था ईद के डेज पर, तो मैं व्लॉग लेट एडिट कर रही हूँ। सो अब आपकी पेशे की खिदमत में है शायान की कुछ बोंगियाँ, जो कि आप मुलाहजा फरमा सकते हैं। ये किसकी परफ्यूम है? बाबा की। किसकी है? बाबा की। किसने भेजी है? नाना अबू ने? बाबा, नाना अबू ने। नाना अबू ने भेजी है?
किसने भेजी है मानू? किसके लिए? बाबा के लिए। बाबा के लिए। मैं लगा के देखूं, मामा लगा के देखे? बहुत ही मज़े की स्मेल है इसकी, बहुत। अब आ चुके थे घर पे शायान की खाला और खालू, हीरा बहन, और उनके लिए हमने मंगवाए थे बर्गर, ऑर्डर किए थे क्योंकि बाकी सब का भी दिल था कि हम लोग जिंगर खाएं, तो हमने उनके लिए भी मंगवा लिए। सो हमने KPH पे ऑर्डर किया था, तो ये वाले जिंगर तो मैं अगेन शायद ही कभी मंगवाऊँ। वैसे तो टेस्ट नॉर्मल था लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितने अच्छे उन्होंने पैसे ले लिए थे हमसे। खैर जनाब, यहाँ पे हो चुकी थी रात। हीरा और मैं और जीजू गए थे पहले आलिया के घर, यानी कि मेरे तायाबुक के घर, ऊँट को बिलने के लिए, और हीरा लोग तो फिर वहाँ से ही वापस चले गए अपने घर, और मैं थोड़ी देर बैठी थी आलिया पास, उसके बाद मैं घर वापस आई और अब आके अपनी तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि हमें भी वापस घर जाना है। शायान के बाबा आए गए अब लेने के लिए, और उससे पहले शायान कह रहा था कि बाबा छत पे चलते हैं, मुझे अपने चूचू को और पेरेंट्स को गुड बाय कहना है, और अब शायान की बोगिया अगर आप चाहो तो लहजा फरमा सकते हैं। क्या? नहीं, पानी नहीं फेंकना, चलो चले अब हम अपने घर जा रहे हैं। पैरेट को बाय बाय कर दो, बोलो मैं पीछे नानों के घर आऊँगा, फिर मैं आपसे मिलूँगा। क्या लेने जा रहे हो? दरवाज़ा तो खोलने दो ना, ये तो लॉक है मानो। ठहरो मुझे खोलने दो। किधर जा रहे हो? किधर है आपकी मुर्गियाँ? मुर्गी शो हो रही है, वो तो देखो वो शो हो गई है। क्या लेने आए हो? किधर है? देखे उधर, देखो उधर ला के देखो, इधर से देखो, वो डिस्टर्ब हो गई हैं, उनको नींद आ रही थी। शायान चलो बाय बाय कर दो इनको भी, अल्लाह हाफिज़। आपके चचू हैं, चलो इनको बाय बाय करो, इनको ले जाए अपने घर, बाद में लेके जाएंगे, बोलो अल्लाह हाफिज़। क्या ढूंढ रहे हो इधर? अंडा नहीं, अंडा फ्रिज में। ये जूता कौन सा पहना हुआ है? सैंडल क्यों नहीं पहने? ये बहुत ज्यादा पसंद है आपको, आपको प्यारा लगता है ये वाला जूता? आप पेंडू हो? आप पेंडू? सो जनाब, शायद को एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ इंटरटेनमेंट के लिए मिलती ही रहती है। अभी भी उसको स्पैरो नज़र आ गई जिसका घोंसला था इसी सीलिंग पे बना हुआ, तो वो शायद इधर ही रहती है अपर फ्लोर पे, हम लोग बहुत कम आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर चिड़ियों का ही आना जाना है, और शायान को तो चिड़िंद परिंद, पैरट, तोते, मैना, हाथी, घोड़े, सारा कुछ बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए वो इंटरटेन होता रहता है इन चीज़ों से, सिर्फ इंसानों से नहीं वो इंटरटेन हो सकता। खैर यहाँ पे ही आज के ब्लॉग को करते हैं दी एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अब तो ईद का हो गया है दी एंड, क्योंकि ईद का फोर्थ डे है, तो अब नॉर्मल रूटीन वाले व्लॉग भी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो चले गए हैं, छुप गए हैं फिर से वो, नहीं आते वो अब।